हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन मकवाना और मैं आज बनाने वाला हूँ एक प्रोफेशनल फैशन बैनर। तो उसके लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है पिक्सल लैब। तो पिक्सल कर लेना है। ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस इस तरह का होगा। उसमें से ये वाला ऑप्शन ले लेना है, उसमें से कलर ले लेना है वाइट। वाइट कलर लेने के बाद उसको कर देना डन। और इस वाले ऑप्शन में आ जाना है, उसमें से ले लेना एक्सेप्ट। और ये से पैसे होगा, उसमें से सोरेज सब ले लेना। और उसका कलर कर लेना हमें डन। उसके बाद ले लेना है एक इस तरह का, अपनी मर्जी जो हिसाब से वो ले लो। ये ले लिया हमने एमएल में, इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद एक लाइट वाला पीएनजी में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो ले लेनी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेनी। ओपेसिटी कर दिया 35। ओपेसिटी कर दी, उसके बाद लेयर के ऑप्शन में जाना है, यहाँ तक ले लेना है इसको फुट एक के करीब में से, वहाँ तक ले लिया। अब बारी आती है टेक्स्ट लिखने की। तो इस सभी को कर दे लॉक और टेक्स्ट लिख लेना है, टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है, वो मैं यहाँ लेता हूँ। वहीं सबसे टेक्स्ट वाला ऑप्शन में चले जाना, वहाँ से लिख लेना यहाँ तक फॉन्ट है, कलर यहाँ है, फॉन्ट है यहाँ, यहाँ साइज है, सब कुछ है यहाँ, साइड हो, जो आपकी मर्जी जो लिखना है, उस फैशन के बैनर के रिलेटिव लिख लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसको कर देता हूँ डिलीट, और वो मैं पीएनजी ले लेता हूँ कि आपका समय भी बचे और वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए। इस तरह के बना के रख लेना है, लिख लेना है अपने हिसाब से, और इसको कर देना है लॉक कर दिया। अब उसको एक बार बना लिया तो आपको लगता है दूसरा कलर लेना है और दूसरा फोटो भी लेना है, तो फोटो को अनलॉक कर लेते हैं। फोटो यहाँ से कर लेना है चेंज। चेंज हो गया, अब उसको यहाँ से यह कलर नहीं मिलता है, तो वो उसको लेने के लिए लेयर वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करके उसके बाद चले जाना कलर फिल्टर में। फिल्टर में से उसको जो सही लगे वही कलर उसमें रख लेना, ये वाला उसको सही लग रहा है तो उसको रख लेना, और यहाँ से कर लेना सेव। जैसे फुल आई में और यहाँ से कर लेना सेव, एक हो गया, एक हो गया। और इसके बाद आपको दूसरा फोटो ले लेना है, यहाँ से दाखिल तरीके में दूसरा फोटो ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये वाला फोटो मैंने ले लिया, ये फोटो ले लिया, आपको पता है। और ये वाला फोटो मैंने ले लिया,
अब आपको पता है कि इसमें और इसमें कलर कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो फिर से लेयर वाला ऑप्शन में चले जाना होगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कलर फिल्टर में जाना और यहाँ से फिर अपने जैसा फैशन डिजाइनर का फोटो का कलर है उसमें से रिलेटिव कलर ले लेना है। डार्क लाइट तरीके में ये ले लेता हूँ, ये जैसा कर लेता हूँ, उस तरह इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। जितनी मर्जी आप उसको फोटो चेंज करके बैनर बना सकते हैं।